बार फिर से कोविड-19 देश को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। एक साल बाद फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। मगर जहां मास्क कोरोना के बचाव का साधन है, वहीं मास्क अब लोगों के लिए संकट बनता जा रहा है, जिसका नमूना बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में देखने को मिल रहा है। यत्र तत्र प्लास्टिक से बने मास्क डिस्पोजल ना कर फेंके जा रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए खतरा बन चुका है। ताजा शोध से पता चला है कि दुनिया में हर एक मिनट में 28 लाख से ज्यादा प्लास्टिक मास्क उपयोग करने के बाद फेंक दिए जाते हैं, जिससे दुनिया में लाखों टन प्लास्टिक कचरा बढ़ता जा रहा है, जो इंसान की सेहत के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो रहा है। ऐसे परिवेश में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। लोगों का कहना है कि मास्क को खुले में ना फेंक कर उसे गड्ढे कर जमीन के अंदर दबा देना चाहिए, मगर ऐसा नालंदा में होता नहीं दिख रहा। इधर नालंदा के सिविल सर्जन का कहना है कि मास्क को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कोविड से बचाव के लिए जो भी एहतियातन कदम उठाए जाएंगे, बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, मगर कोविड-19 जैसे महामारी की फिर से दस्तक देने के बाद लोगों को अब और एहतियात बरतने की जरूरत है। मास्क यूज किया हुआ मास्क हर जगह उसको जो है नहीं फेंकना है, इससे जो है माने पर्यावरण का पर भी समस्या है और कोरोना के का फैलाव भी होने की संभावना है। इसलिए अगर ऐसी स्थिति पाई गई है तो मैं उसे व्यक्तिगत रूप से देखूंगा और प्रयास रहेगा कि यहाँ तहाँ लोग नहीं फेंके, प्रॉपर जो उसका डिस्पोजल होना चाहिए उसके लिए अपना वहीं उनको माने फेंकना होगा। हमें अपने जीवन शैली में सुधार लाना है और मास्क उपयोग करके उसको उसके जगह पर डिस्पोजल कर देनी चाहिए, जिससे कि यत्र तत्र जो गंदगी फैल रही है इससे हम इससे समाज को और राज्य को दूर कर सकें। स्वच्छता के प्रति हमें सजग रहना है। पटना ब्यूरो से उस्मा शाहीन की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।